हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा दार्जिलिंग का जो छोटा सा ट्रिप है वही। और दार्जिलिंग में हम लोग सिर्फ एक ही दिन रह पाए। दार्जिलिंग में बैठ के होटल में मैंने कोई भी वीडियो नहीं कर पाई, तो इसलिए घर में आके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दार्जिलिंग में कैसा खाना मिलता है और होटल का जो प्राइस है या रेंट है वो कैसा है और कितना घूमने का प्लेस है। पर हम लोग घूम नहीं पाए ज़्यादातर, तो चलिए डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वीडियो में। अभी वजह है 9:49 और हम अभी है NGP स्टेशन में और दिस इज़ अवर ट्रेन। हम लोग जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट होटल और थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं। यही है हम लोगों का रूम और रूम का हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि हम लोग आके सो गए थे और बहुत टायर्ड थे इसलिए सो गए थे। अब रेडी होके थोड़ा फ्रेश होके और रेडी होके निकलते हैं दार्जिलिंग का जो मेल रोड है वहाँ पे। अभी आए हैं दार्जिलिंग मेल रोड में और आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है। अमर कोनो कथा ही वो सुन, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। मैं नहीं, यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो कहा जाता है यहाँ से कंचनजंगा दिख जाता है, पर हम लोग जब थे दार्जिलिंग में तो इतना ज़्यादा क्लाउडी था, हम लोगों को नहीं दिखा कुछ भी। तो आई थिंक वेदर क्लियर। हम लोग गए थे कुछ शॉपिंग करने और कुछ स्ट्रीट फूड खाने। यहाँ पे एक टी शॉप है बहुत ही अच्छा है। दार्जिलिंग को टाटा बोलने का वक्त आ गया है, तो चलिए दार्जिलिंग को टाटा बोलते हैं और मिलते हैं बस स्टैंड में।